मुझे नहीं लगता जिस इंसान ने एनिमे देखना शुरू किया और एनिमे को पसंद किया उसकी फेवरेट एनिमे लिस्ट में ड्रैगन बॉल जी का नाम ना हो। मेरी बहुत सारी यादें जो है वो ड्रैगन बॉल जी से जुड़ी हुई हैं। अगर वो मैं आपके साथ डिस्कस करने बैठ गया तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, बट मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी ब्रोली द लेजेंडरी सुपर सैयन मूवी के बारे में, जो 1993 के अंदर आई थी। हाँ, 2018 के अंदर भी एक मूवी आई है ड्रैगन बॉल जी सुपर ब्रोली, इस नाम से कुछ आई थी। मैंने अभी उसे देखा नहीं है, जब उसे देख लूंगा तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो यार, मैं तो इतना तो मान के चल सकता हूं कि आपने ड्रैगन बॉल जी देखा हुआ है, आप लोगों को इसकी थीम पता है, इसके एनिमे कैरेक्टर पता है, इसके उनके नाम भी पता है, और ये किस लिए ये क्या लड़ाई करते हैं, कैसे वो 7 बॉल को इकट्ठा करके एक विश लेते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को पता है। इतना तो मैं एक्सेप्ट करके चल रहा हूं, क्योंकि यार अगर वो चीजें डिस्कस करने बैठ गया तो यार फिर तो बन गई वीडियो। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक ब्रोली नाम का एक इंसान है जिसे लेजेंडरी सुपर सैयन दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। उसके पिता जो है अपना बदला लेना चाहते हैं वेजिटा के पिता से। वेजिटा के पिता ने ब्रोली के और ब्रोली के पिता के साथ कुछ ऐसा कर दिया था कि ब्रोली के पिता यानी जो प्रोग्रेस, शायद यही नाम है, उसकी सुलग गई थी। अब वो क्या किया था इसके लिए तो देखो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो बहला फुसलाकर ब्रोली के पिता वेजिटा को एक नए प्लेनेट पे लेके चला जाता है। वहां पर जो इसके साथ साथ वेजिटा के साथ साथ गोहान, ट्रंक और पिकलो, ये सारे के सारे जो हैं ये भी करेक्टर के साथ चले जाते हैं। अगर तुमने पूरी की पूरी ड्रैगन बॉल जी देखा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर इन्होंने पता नहीं कितने तो ब्रह्मांड खत्म कर दिए। इनकी तो गिनती खत्म नहीं होती यार, आए दिन एक प्लेनेट उड़ा देते हैं। मतलब छोटी सी फाइट हो और ये हो कि बस उसमें एक प्लेनेट तबाह हो जाए। और जब मैं ये एनिमे देखा करता था तो मैं ये दुआ करता था कि भाई प्लीज इस अर्थ को बख्श दो। तो छोड़ो यार, अब वापस स्टोरी के ऊपर आते हैं। जब ये सारे के सारे उस प्लेनेट पे जाते हैं तब वो यहां पर ब्रोली से मिलते हैं। देखो मैं जब PS2 खेला करता था, PS2 के ऊपर जब ये गेम आई थी ड्रैगन बॉल जी के नाम से, बहुत ज्यादा क्रेज था। तो वहां पर ये ब्रोली का एक करैक्टर हुआ करता था, तो मैं उसे देखता था, मैं ये सोचता था ये ब्रोली का करैक्टर ये है कौन, इसकी कहानी का क्या है, ये कहां से आया, ये सब चीजें जो थी वहां पर मुझे पता नहीं थे। और जब आज जो ये वीडियो बना रहा हूं, इवन इस वीडियो के बनाने के जस्ट एक दिन पहले तक मुझे नहीं पता था ये ब्रोली कौन है। एटलीस्ट मुझे पता चल पाया कि हाँ ये ब्रोली कहां से आया है, और ब्रोली और गोकू जो है वो एक ही दिन जो है वो पैदा हुए थे, और इसकी पावर, ब्रोली की पावर बहुत ज्यादा है, इवन आउट ऑफ कंट्रोल है, ये खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसके पिता किसी डिवाइस से इसकी पावर कंट्रोल करते हैं। और जैसे ये गोकू को देखते हैं इसकी पावर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और वो डिवाइस जिससे उसके पिता उसको कंट्रोल कर रहे थे वो भी तबाह हो जाता है। अब ब्रोली खुद के बस में नहीं रहता, बस अब वो गोकू को मारना चाहता है, कैकरोट को मारना चाहता है। तो मुझे कैकरोट का नाम सुना हुआ है, मतलब गोकू इज इक्वल टू कैकरोट, इज इक्वल टू क्या, दोनों इंसान ही एक ही है, मतलब दो नाम है एक ही बंदा है। अब ब्रोली गोकू और बाकी सबको मारने के लिए मतलब एकदम उतावला उठता है और इनके बीच में फाइट होनी स्टार्ट होती है। अब देखो यार, मैंने कभी वेजिटा को इस हालात में नहीं देखा, मैंने जितनी भी ये पूरी की तो नहीं देखी है मैंने ड्रैगन बॉल जी, बट जितने भी मैंने इसके एपिसोड देखे हैं उसमें मैंने वेजिटा को ऐसे पाया कि ये इंसान कभी भी पीछे नहीं हटता किसी से लड़ाई करने में, और इसकी कभी भी फटती नहीं है। लेकिन इस मूवी के अंदर इसकी सच में कहूं यार, फट के हाथ में, मतलब इन्होंने बिल्कुल ही उल्टा दिखा दिया यार। अब अगर इस मूवी के सबसे वीक पॉइंट और सबसे खराब पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूं तो वो ये है कि यार इसमें जो लेजेंडरी सुपर सैयन, इतना बड़ा नाम इन्होंने रख दिया ब्रोली के लिए, वो उसको इतना पावरफुल दिखाया गया स्टार्टिंग में, और लास्ट में जो उसके साथ जो फाइट हुई और जो उसका जो हाल किया, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं किया था। एटलीस्ट उसके साथ कुछ और इंसाफ किया जाने था। इवन अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल जी में जो स्टार्टिंग में जो फाइट होती थी, जो सबसे बड़ी फाइट, जो मतलब कहूंगा कि गेम चेंजर, जो मैंने मेरे हिसाब से देखो ड्रैगन बॉल जी का गेम चेंजर, मैं तो बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, वो थी फ्रीजा वर्सेस गोकू वाली जो फाइट देखी थी, जिसमें गोकू जो वो सुपर सैयन बनता है यार, वो जो सुनहरे सुनहरे बाल मैंने देखे था, मैं इतना मतलब दीवाना हो गया था इस सीरीज का। और फिर गोकू का जो बेटा गोहान वर्सेस सेल की जो फाइट देखी थी यार, ये जो फाइट थी, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फाइट हुई थी, लेकिन इन दोनों फाइट ने मेरा जो क्रेज जो था इस ड्रैगन बॉल जी में बहुत ज्यादा लेवल का बढ़ा दिया था। और इनमें जो विलन, जो मतलब अपोनेंट जो होता था, वो कैसे फाइट करता था, ये सारी चीजें जो थी मतलब काफी टाइम कंज्यूमिंग चीजें लेती थी, लेकिन अच्छा एक सेटिस्फेक्शन हमें देती थी। लेकिन इस चीज के अंदर, इस मूवी के अंदर वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। और इसके अंदर जो अंत किया गया बेचारे ब्रोली का यार, सच कहूं यार, सच मुझे लिटरली बुरा लगा कि यार नहीं यार, इस इंसान को ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। मतलब मैं बता नहीं सकता क्योंकि रिव्यू है, रिव्यू में अगर वो चीजें मैंने बता दी कि कैसे इस इंसान का अंत किया है, मतलब यार
मुझे दुख हो रहा है यार, नहीं यार उसके साथ गलत किया, उसकी कम से कम थोड़ी बहुत तो इज्जत रख लेते। यार मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10 stars। अब ये नहीं है कि ड्रैगन बॉल जी को मैंने कोई 5 out of 10 stars दिया। ड्रैगन बॉल जी एक एनिमे सीरीज बहुत बड़ी सीरीज है, मैं उसका एक छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूँ। उसकी एक मूवी है ये वाली लेजेंडरी सुपर सैन ब्रोली वाली, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। वो वाली एक तरीके से समझ लो ये वाला सीन मुझे पसंद नहीं आया या फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कहीं तुम इससे वो हो जाओ, अग्रेसिव हो जाओ कि यार तुमने हमारे फेवरेट एनिमे के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। यार मेरा भी फेवरेट है, मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इसमें, बट इस मूवी ने थोड़ा बहुत हमें निराश किया ना यार, इसलिए समझ रहे हो ना, तुम गुस्सा मत हो जाना यार। तो खैर अगर किसी ने ये सीरीज देख रखी है, मतलब पूरी, अगर ड्रैगन बॉल जी पूरी सीरीज देख रखी है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को इस सीरीज के अंदर क्या अच्छा लगा। बेशक सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो यार देखो यार, तुम्हारी मतलब एक तरीके से तुम एक सुनहरे पल, तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसे इस तरीके से समझ लो तुम अगर इसे देख रहे होगे। और इस मूवी को भी देख सकते हो, हाँ वन टाइम वॉच तुम देख सकते हो, लेकिन लास्ट वाली फाइट समझ लो यार। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।